हूँ आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली मेट्रो के कई वीडियोस आपको अक्सर सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे और हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो के कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए जिन्होंने खूब सनसनी मचाई और उसके बाद दिल्ली मेट्रो एक सवालिया निशान पर खड़ी हो गई कि आखिरकार पब्लिक प्लेस पर लोग इस तरह की हरकत कैसे कर लेते हैं। बहरहाल इसी सिलसिले में एक और वीडियो सामने आया है जिसने फिर से दिल्ली मेट्रो को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है। इस बार के वीडियो में ना तो डांस है और ना ही किसी तरह की अश्लील हरकत, पर फिर भी ये वीडियो सबके निशाने पर है और सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है ये वीडियो, क्यों वायरल हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। वायरल वीडियो में एक लड़की चलती हुई मेट्रो ट्रेन के अंदर एक्सरसाइज स्टंट करती हुई दिख रही है। फुटेज की शुरुआत उसके द्वारा रेलिंग को पकड़ने से होती है और उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए लड़की बैक फ्लिप करती हुई नजर आ रही है। मेट्रो कोच के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं। कई लोग इस वीडियो से अनजाने नजर आ रहे हैं तो कई लोग इस लड़की के स्टंट को देखकर काफी हैरान हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल हुए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है सार्वजनिक रूप से कैलिस्थेनिक्स। वीडियो शेयर होने के बाद तमाम तरह के सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपने अपने तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद काफी यूजर्स ने वीडियो के नीचे कमेंट्स भी किया। एक ने वीडियो के कमेंट में लिखा, सराहनीय लेकिन सार्वजनिक स्थान पर और सरकारी संपत्तियां स्टंट दिखाने के लिए नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है और एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि मास्क आत्मविश्वास का स्रोत है। आपको बता दें वीडियो और रील बनाने के खिलाफ मेट्रो की बार बार चेतावनी के बावजूद मेट्रो ट्रेन के अंदर की गतिविधियों को दर्शित करने वाले वीडियो इंटरनेट पर सामने आते रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये वीडियो फनी लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी चेतावनी देने के बावजूद भी दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली मेट्रो में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।